चैनल, कैसे हैं फ्रेंड आप। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं यमी सी एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। और ये है क्रीमी मैश पटैटोज। लुक एट डैट, कितने क्रीमी हैं और कितना यमी है। इतने सॉफ्ट सॉफ्ट सा इसका स्ट्रक्चर है। लुक एट डैट। चलिए फ्रेंड्स, भी देखते हैं कि हमें आज की रेसिपी के लिए क्या चाहिए। हमें चाहिए 6 मीडियम पटैटोज़ हैं। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया और क्यूब्स इक्वल होनी चाहिए। और मेरे पास 1 कप मिल्क है और ये गर्म है और साल्ट टू टेस्ट है और बटर है जो मेरे पास 3 टेबल स्पून है और ये रूम टेम्परेचर पे है। चलें फ्रेंड्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। स्टार्ट। मैंने ये पैन लिया है, इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ। इसमें अपने पटैटो ऐड करती हूँ और इसको मैं अब फुल बॉईल करती हूँ जब हमारे जो पटैटो हैं वो बिल्कुल डन हो जाएं, ठीक है। और पानी इतना डालेंगे ये अच्छे से कुक हो जाएं। ओके, जस्ट वेट। अब ये जो मेरे पटैटो हैं ये बॉईल हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना करना है। तो देखिए फुल कुक्ड है, ठीक है। अब मैं इसका पानी निकालती हूँ और फिर मैं इसको ठंडा होने का वेट करती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये जो मेरे पटैटोज़ हैं ना ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, यानी कि इतने भी नहीं, बस नॉर्मल, इसमें से धुआं ना निकले, ठीक है। मैं इसको मशीन में मैश कर रही हूँ और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप जिससे केक का होता है हैंड बीटर उससे मिक्स कर ले। इस वाले सांचे से मैं इसमें जो है मिक्स करती हूँ। अब हम इसको वैसे ही स्लो पे ठंडा करते हैं। ये थोड़े सा मैश हो गए हैं, इसमें जो मेरे पास हॉट मिल्क है वो ऐड करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। साथ साथ मैं बटर ऐड करती जाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे बटर है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे बटर के क्यूब जो हैं ऐड कर दी। और यहाँ पे अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो फिर आप टेस्ट कर लो कि आपको कितना सॉल्ट चाहिए। मैंने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है इसलिए मैं 1 पिंच सिर्फ ऐड कर रही हूँ सॉल्ट का, टू टेस्ट भी हो सकता। अब मैं इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून और बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। सारा कुछ आपने एट ए टाइम नहीं ऐड कर देना, ठीक है। मिक्स इट वेल। और मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने अपने ऐसे डिश में निकाल दिया और इसका टेस्ट जो होता है सबसे अच्छा जब इस पर मेल्टेड बटर आता है। लुक एट दैट। इस पे आप कोई भी हर्ब ऐड कर सकती हैं, कुछ नहीं तो आप धनिया ऐड करें थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। इसको मैंने यूं निकाल लिया है और इसको आप ऐसे भी इंजॉय कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको इसके साथ और बहुत सारी डिशेस के साथ इसको बताऊंगी कि आप किन किन चीज़ों के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। Please try and enjoy. Take care. Bye-bye.